नमस्कार, आइए इस हाथ पर कार्ड डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप उसको नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख करके लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरे सामने एक महिला का हाथ और इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली पर यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई है और इसके लास्ट वाले पर एक दीप बना हुआ है। यानी कि यदि मैं कहूँ तो ये दीप व्यक्ति को सही रूप से निर्णय नहीं लेने देते, या ये कहिए ऊपर वाली जो उंगली है उसकी लंबाई सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। जब जब ये स्थितियाँ होती हैं तो अपने जीवन के अंदर सही निर्णय सही समय पर ना लेने के कारण कई बार परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। दूसरी उंगली यहाँ पर सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली के अंदर यहाँ पर एकदम सूर्य की उंगली सीधी जा करके सीधी खड़ी हुई है, लेकिन ये बीच के कट जब होते हैं इस तरीके के तो ये जीवन के अंदर परेशानियाँ दे देते हैं पिता से संबंधित। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत मिला कि पिता का सहयोग सही रूप से इनको नहीं मिल पाया। अब बात कर लेते हैं आपकी तीसरी उंगली की, जिसको कहते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और साथ के साथ शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली तरफ है। जब जब ये सूर्य की तरफ की उंगली की तरफ इसका झुकाव होता है तो व्यक्ति को जीवन में शनि की ढैया और शनि की साढ़े साथी में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीमारी का भी, साथ ही साथ धन से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ये अपने आप में दिखाता हुआ ये इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर है, जो जीवन में आपको काफ़ी संघर्ष कराएगा धन से संबंधित। साथ ही साथ ये नीचे का ही कट और ऊपर वो कट इस बात को बताते हैं कि आप अपना पैसा किसी को दे मत दीजिए, वरना आपका पैसा आपको लौट करके वापस नहीं मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं बृहस्पति की एक रेखा की। ये बृहस्पति की रेखा, इस पर छोटे छोटे कटर बीच की तरफ आए हुए हैं। ये यहाँ पर वैवाहिक सुख में देरी दिखाते हैं। साथ ही साथ आपका ईश्वर के प्रति आस्था है और मेहनत करती हैं धन कमाने के लिए ईमानदारी से, ये दिखलाती हुई आपकी उंगली। अब बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्व यहाँ पर सम पर्व के रूप में बुध पर्व है और यहाँ पर कोई विशेष रेखाएँ तो नहीं खड़ी हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में इस बात को दर्शाती हैं कि आपके पास सम पर्व है। जब जब सम पर्व होता है तो धन के आगमन निश्चित रूप से किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से धन के आगमन आपके पास निरंतर रूप से बने रहते हैं। ये आपका बुध का पर्वत, तो ये अच्छी बात है कि धन स्थिति कुछ भी हो धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। आइए सूर्य पर्व की तरफ चलते हैं। ये सूर्य पर्व पर खड़ी हुई रेखाएँ जो इस प्रकार को बहुत अच्छे इंडिकेशंस अगर मैं कहूँ तो दिखलाती हैं, परंतु जब जब हाथ के अंदर ये एक कट आता है जिंदगी के अंदर तो ये इस बात को दर्शाता है कि गवर्नमेंट जॉब की यदि आपका सवाल भी है और आगे भी मैं देखूँगा कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कहती हैं कि मुझको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। देखिए यहाँ ये दिखता है कि गवर्नमेंट से संबंधित जो संविदा की नौकरी हैं या गवर्नमेंट के संस्थान जो हैं उनसे निश्चित रूप से जुड़ने के संजोग लगते हैं, परंतु जब उस तरह का जो कट मैंने आपको बताया था वो कट हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसे में काफ़ी यानी कि लगभग 35 वर्ष की आयु तक भी हो सकता है कि आपको जॉब मिले। तो यहाँ ये देरी का संकेत उस रेखा ने दिया है गवर्नमेंट जॉब का। यदि आप में सब्र है, तैयारी करने की आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ये आपको 34-35 वर्ष तक भी पहुँच सकती है। तो उसके लिए अगर आप तैयार हों तो हो जाइए, अभी जल्द में मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता। अब बात कर लेता हूँ आपके शनि पर्व की। ये शनि पर्व और सूर्य पर्व से देखने वाली रेखा शनि पर्व को दिख रही है। वही बात हो गई कि गवर्नमेंट से के संस्थान से कुछ ना कुछ जुड़ करके व्यक्ति का अपने जीवन के अंदर धन से संबंधित समस्याओं की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल आपके पास धन से संबंधित समस्या नहीं रहने वाली है, धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक प्रकार का ये जो है चिन्ह आपके हाथ के अंदर है, ये कभी कभी लग्न को बताता है। तो चलिए यहाँ बात हो गई, अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर देखें तो देखिए यहाँ पर दो क्रॉस आपस में जाकर के एक चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं।
यहाँ ये आपको चतुर्भुज लगेगा, स्वतंत्र त्रिभुज चतुर्भुज तो नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसे इंडिकेशंस हैं जो इस बात को बताते हैं कि आप जीवन में एक बेहतरीन मकान स्वयं की मेहनत से भी बना सकती हैं। कई बार ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति से भी मकान मिलता है, संपत्ति मिलती है। आइए बृहस्पति पर्व की बात हो गई, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी एक और रेखा की। इसको बोल देते हैं, जब आपका सवाल था कि विवाह रेखा के बारे में, तो देखिए मुझे हृदय रेखा, बृहस्पति पर्वत और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपकी इन रेखाओं को देखता हूँ तो जबरदस्त दीप शुरू बात में बृहस्पति पर्व से यहाँ इस पर बना हुआ है। जब जब ऐसी रेखाएं यहाँ पर आती हैं तो ऐसे व्यक्ति का विवाह लगभग लगभग 34 से 35 वर्ष तक भी होता है। तो विवाह की अगर आपने बात करी, देखिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ विवाह में बहुत ज़्यादा देरी के संकेत आपकी विवाह रेखा कहती है। लव मैरिज का योग तो मुझको कहीं नहीं लग रहा, प्रेम प्रसंग हो सकता है चले और वो अंजाम तक ना पहुँच पाए, तो इस तरह के संकेत आपके हाथ के अंदर। साथ ही साथ पेटों से रोग से संबंधित जो रोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और यदि आपकी सुव्रत वैवाहिक जीवन जो होगा वो बहुत जटिल होगा, उसमें पत्नी के साथ विवाद की स्थिति भी आपकी रेखाओं में नजर आती है। तो शादी लव मैरिज नहीं नज़र आ रही, प्रेम प्रसंग नज़र आ रहे हैं, विवाह के योग काफ़ी लेट नज़र आ रहे हैं, उसमें भी हो सकता है कि आपको 34-35 तक पहुंचना पड़ जाए, 30 से 34 के बीच में विवाह के ज़्यादा योग नज़र आते हैं। चलिए अब आपकी ये बात हो गई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा की। ये मस्तिष्क रेखा अब बिल्कुल डिवाइडेशन हो गया इसका, और ये बृहस्पति पर्व से निकल करके चल रही है, यानी कि आयु रेखा से बहुत दूर हो गई। जब जब इस प्रकार की रेखाएं निकलती हैं तो व्याणी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव देती हैं। मस्तिष्क रेखा से उठती हुई छोटी छोटी रेखाएँ जो इस बात को दर्शा रही हैं यहाँ पर कि आप अपनी वाणी से बहुत तेज़ सर्रार होती हैं, और आप अपनी वाणी के द्वारा अपने आप बहुत ऊंचे स्तर तक बोल सकती हैं। अच्छी वक्ता भी होता है ऐसा आदमी, लेकिन फालतू भी बोल जाता है, क्योंकि तो मैंने बुद्ध की टावर की उंगली का दिखा था। तो वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है, वरना आपको उससे संबंध ये होगा कि आपको कई तरह की परेशानियों का सामना नौकरी में करना पड़ जाएगा और या विवादों का सामना यहाँ पर करना पड़ जाएगा। तो ये अपने आप में रेखा है यहाँ इस प्रकार की, ये देखिए कितनी सारी रेखाएं जो यहाँ से निकल रही हैं, यानी जीवन के अंदर उत्थान करने के लिए आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगी, बहुत मेहनत कर रही हैं, ये भी दर्शाती हुई यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं ये मस्तिष्क रेखा को बहुत संघर्ष कराती हैं, और साथ ही साथ जीवन के अंदर भी। तो ये रेखाएं इस लगभग लगभग ये 30 वर्ष तक की रेखाएँ जो बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको करा रही हैं। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपकी इसके बाद में एक और रेखा की, जिसको बोल देते हैं भाग्य रेखा। देखिए चंद्र पर्वत से निकल करके आपकी भाग्य रेखा का उदय, जब जब इस तरह की रेखाओं का भाग्य उदय होता है तो व्यक्ति का भाग्य अपने घर से दूर जाकर के होता है, परंतु बार बार स्थान परिवर्तन कराने वाली ये रेखाएं, बार बार जॉब परिवर्तन कराने वाली ये भाग्य रेखाएं आपके हाथ में 27वें वर्ष पे देखता हूँ तो नौकरी का परिवर्तन, आपके भाग्य में 35वें वर्ष पे देखता हूँ तो नौकरी का परिवर्तन, उसके बाद में देखता हूँ तो 38वें वर्ष में नौकरी का परिवर्तन, और 38 वर्ष से लेकर के लगभग लगभग फिर 50 वर्ष तक आप एक ही जगह स्थिर रूप से रहेंगी, और 50 वर्ष के बाद फिर यहाँ पर लगता है देखने में कि नौकरी का परिवर्तन, यानी कि स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, ऐसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन के अंतर्गत आने वाले हैं। ये आपकी रेखाओं ने, मस्तिष्क रेखाओं ने, भाग्य रेखाओं ने इस बात को निर्मित कर दिया। तो निश्चित रूप से आमदनी के साधन तो लगातार बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार ट्रांसफ़र का आपको नुकसान या परिवर्तन का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं एक अलग एक और रेखाओं के बारे में, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मंगल पर्वत को देख लीजिए पहले, ये देखिए
जो मंगल पर्वत है अंदर, ये मंगल पर्वत, और मंगल पर्वत यहाँ पर बहुत एक रेखा जो इस तरह से अगर खुली हुई है यहाँ पर, ये संजीवनी रेखा भी है, थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, यहाँ कहें तो 35 वर्ष तक हिम्मत बनी रहती है। तो ये अपने आप में मंगल पर्वत दबा हुआ है, जब जब ये पर्वत दबा हुआ होता तो बहुत संघर्ष व्यक्ति को करवाता है। आइए शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत वैवाहिक सुख जीवन के लिए ज़्यादा माना जाता है। अगर मैं आपके शुक्र वर्कट को देखता हूँ तो शुक्र पर्वत का जो कलर है वो कहीं वाइटनेस में, कहीं येलो कलर में, कहीं गुलाबीपन में, यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ित शुक्र पर्वत लगता है। जब जब शुक्र पर्वत इतना पीड़ित होता है तो कई बार मैंने देखा है आप महिलाओं से संबंधित गहन रोग जो है वो आपको लग सकते हैं, इसलिए डॉक्टरी देख रेख के में जरूरी रहने की आवश्यकता है। अब यह बात हो गई, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके केतु स्थान की। ये केतु स्थान से निकल करके ये रेखा यहाँ जाती हुई, और इसका कुछ आपकी इस रेखा से जुड़ाव, कुछ भाग्य रेखा से जुड़ाव, यानी कि पैतृक संपत्ति से कुछ ना कुछ अवश्य आपको मिलेगा, ये यहाँ पर दिखलाती हुई रेखाएं आपके हाथ के अंदर खड़ी हैं। तो ये अपने आप में ये आपके केतु स्थान ने बताया। तो पूरे हाथ में चंद्र पर्वत को और देख लेते हैं। ये देखिए चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत पर कोई ज़्यादा विशेष रेखा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी की रेखा है जो भागदौड़ कराती हैं, जीवन में परिवर्तन कराती हैं, इस तरीके के इंडिकेशंस देने वाली रेखाएं हैं। एक रेखा का झुकाव, ये जुड़ाव जो है ये यहाँ से लेकर के और ये जा करके और ये यहाँ जुड़ जाता है। जब जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो कई बार पैतृक से संबंधित संबंधी संपत्ति से वे मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन पैतृक संपत्ति से कुछ ना कुछ मिलता अवश्य है। यहाँ देखें यदि संतान रेखाओं को, तो अभी आपकी साथ में तो चमक नहीं रही हैं, तो जब ये आपने सवाल भी नहीं पूछा, जब चमक भी नहीं है तो मैं उसके बारे में भी बोलना उचित भी नहीं समझता। तो यहाँ पर ये सब मैंने आपके सभी हाथ की रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में मैंने बताया। सुख शांति कब, अब आइए आपकी आयु रेखा को देख लेते हैं। देखिए आयु रेखा है आपकी, और आयु रेखा से ये बहुत सारी जाल से संबंधित रेखाएं शुरू में उठ रही हैं। यदि मैं कहूँ तो आपको लगभग लगभग 35 वर्ष से पहले ज़्यादा मानसिक शांति नहीं है, उसके बाद में जो आपकी आयु रेखा है वो बहुत अच्छी है, और जीवन में जो इस बात को दर्शाती है कि 75 वर्ष से 76 वर्ष आपकी आयु है और आगे भी ये बढ़ जाती है, तो इनके लिए ज़्यादा वहम जाती चीज़ें ना करें। तो ये अपने आप में यहाँ दिखाती हुई आपकी आयु रेखा, और शुक्र पर्वत अपने आप में ठीक ठाक है, ज़्यादा लग्जीरियस जीवन नहीं, सुख सुविधा ठीक ठाक मिलती रहेगी। तो ये सब आपके हाथ के बारे में मैंने आपकी सारी रेखाओं के बारे में, पर्वों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताना चाहता हूँ जिससे आपके जीवन में आपको शांति मिले और आपको नौकरी स्थायी रूप से आप करती रहें और आपका दिमाग डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में एक पूजा होती है देवी कवच। आप नित्य अपनी पूजा के अंदर देवी कवच, नित्य अपनी पूजा के अंदर रोजाना अपनी पूजा के अंदर नित्य आप पढ़िए। साथ ही साथ अपनी एक ही उंगली के अंदर, यदि आपसे हो सके तो आप यहाँ से एक बहुत बढ़िया बेहतरीन पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। यहाँ पुखराज धारण कर लीजिए, ये आपको सद्बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा, आपका विवाह भी जल्दी कराएगा, संतान से संबंधित सुखों को भी देगा। तो ये पुखराज आपका नग बनता है, यदि आप चाहें तो हमसे भी मंगा सकती हैं, स्वयं भी पहन सकती हैं लेकर के। तो बस इतना भर कीजिए जितना उपाय मैंने बताए हैं, आपके जीवन में सब सुख संपन्नता आ जाएगी। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।